देश के विकास के लिए आज हमारे शहर में मतदान हुआ है, जिसमें आज मेरा भी सहयोग रहा है। मैंने अपने देश के विकास के लिए आज वोट दिया है। तो जिस हिसाब से हम सबको पता है कि वोट देना कितना ही आवश्यक है, तो आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप सब वोट दें और हमारे देश के विकास में अपना योगदान प्रदान करें। धन्यवाद। जी सर, आज आपने वोट दिया है? जी सर, बताइए। मैंने वोट दिया है कि जिसे आजकल के पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार हैं, गवर्नमेंट उनको नौकरी दे, उनका भविष्य खतरे में ना हो, जात पात की राजनीति ना हो। जैसे हम लोग पहले मिलजुल के एक साथ रहते थे, उसी तरह मेरा हिंदुस्तान हो। और जो बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया गया है, उस पेंशन को बहाल किया जाए और नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। मेरा यही गवर्नमेंट से कहना है, आने वाले गवर्नमेंट से मेरा यही सुझाव है कि आने वाले दिन में नौजवानों को रोज़गार दें, कि वो रोजगार करें, उनके परिवार चले। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मतलब मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग था, लखनऊ से आया वोट करने। तो इट शुड बी डन बाय एवरी सिटीजन, सारे नागरिकों का योगदान होता है इसमें, करना चाहिए हमारे देश की जनता को चुनने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब लोग अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये ख़राब कर दिया, वो ख़राब कर दिया, तो यही समय है जब हम लोग चूज़ कर सकते हैं वाइजली कि हाँ हमको किस लीडर को चुनना है, किस लीडर को नहीं चुनना है। 5 साल के लिए क्रिटिसाइज़ करने से बेटर है कि हम लोग अपना मतदान जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, जो हमें लगता है सही है, उनको करें। तो उसके बाद में फिर हम अपने देश का भी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। एज एन यूथ हम लोग का भी रोल होना चाहिए। कई यूथ नहीं देते हैं वोट, उन्हें लगता है कि वोट देना बहुत सही चीज़ नहीं है, ये है मतलब फर्जी, कुछ पॉलिसीज चेंज नहीं होती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो पॉलिसीज चेंज होती हैं, एंड अगर हम लोग वोट अपना कास्ट नहीं करेंगे तो तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या चाहती है जनता। बलरामपुर के लिए काफ़ी डेवलपमेंट की गुंजाइश है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है। बलरामपुर के यूथ हमेशा से आगे रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर बहुत उन्होंने अच्छे काम किए हैं। एंड आई अपील फ्रॉम ऑल द यूथ्स ऑफ बलरामपुर टू कम एंड वोट फॉर दिस लोकसभा इलेक्शन, सो दैट वी कैन हैव अ डिजर्विंग कैंडिडेट फ्रॉम आर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड जो 5 साल का हमारा पार्लियामेंट में जो रोल है, वो उस हिसाब से अच्छे से चल सके, बलरामपुर को एक अच्छा लीडर मिल सके, बलरामपुर के डेवलपमेंट में भी रोल हो सकता है इस चीज़ का। तो प्लीज़ वोट, कम एंड वोट। मतदान किया है देश के विकास के लिए और राष्ट्रहित के लिए, बहुत अच्छा लगा है। और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं मतदान के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और जब से सरकार, भाजपा की सरकार बनी है, लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, रोड, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, मतलब सारी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी हो गई है। और फिर हम एक बार फिर इसी प्रयास में एक बार फिर मोदी सरकार, फर्स्ट टाइम वोट किया है और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार वोट करते हुए। और मैं देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए मैं आप लोग भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। आइए वोट करिए कि अधिक से अधिक लोग मतदान करके अपने उनको चुन सके। अच्छी क्या संदेश देना चाहती हूँ? यही कि हर किसी को वोट देना चाहिए आके, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है, हम अपना अधिकारी अपने चुन सकते हैं कि हमारा अधिकारी कैसा हो, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा हो। किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट दिया? देश सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा। मैंने राष्ट्र में अपना वोट किया है और आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग राष्ट्रहित में जो आपके सपनों को साकार करे, ऐसी सुगढ़ और सुदृढ़ सरकार की चयन हेतु घर से निकले, अधिक से अधिक मात्रा में वोट करें। और लोकतंत्र का पर्व है ये, मतदान का पर्व है, इसमें जितना ज़्यादा वोट करेंगे उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। इसलिए हम आपसे करवट प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में निकल कर मतदान प्रतिशत बढ़ाएं और सरकार के हाथ को मजबूत करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, यहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए और बीजेपी को जिताइए, नहीं तो फिर इसका परिणाम आप ही लोग जानेंगे। जिसने राम मंदिर बनवाया है, कम से कम राम के पास मुँह दिखाने लायक आप बनिए और आके ज़्यादा से ज़्यादा आकर वोट दीजिए। मोदी को ही मतलब दिया वोट, वही हमारे मतलब सरकार है और वही हमारे हम लोग के हित के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक गलती ये कर रहे हैं कि जो सभी लोग को सुविधा देते हैं तो उसकी मतलब वो नहीं जांच नहीं करते हैं। जो मतलब अच्छे लोग हैं जिनके पास हर चीज़ संपन्न, सुखी संपन्न है, उनको भी सब दिया जा रहा है। लोकतंत्र का महापर्व है, आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए राष्ट्र
हक में योगदान करिए, राष्ट्र में अपना योगदान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए। बस आपसे यही अपील है देशवासियों से। जनपद बलरामपुर के 3 विधानसभाओं में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दृश्यगत मतदान हो रहा है। युवा काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लंबी कतार लगाकर मतदान कर रहे हैं। जनपद बलरामपुर के गैसड़ी, बलरामपुर और तुलसीपुर विधानसभा में वोटिंग चल रही है, जिसमें 1260 बूथों पर मतदान किया जा रहा है। जनपद में 1,162,450 मतदाता आज मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से भाजपा से साकेत मिश्रा, सपा गठबंधन से राम शिरोमणि वर्मा व बसपा से हाजी दद्दन सहित 12 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। भानु तिवारी, बलरामपुर।